गाइस, तो यार आज की जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है चेरी का बाथिंग व्लॉग। तो बहुत दिन हो गए इसको नहाए हुए, है ना। एंड देख सकते हो आप मेरी डॉल को, इतनी खूबसूरत लग रही है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज हमारा ये ट्यूटोरियल टाइप का वीडियो है कि अगर आपको एक डॉग को नहलाना है तो आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए एक डॉग, एक बकेट, एक मग। अगर आप शार यूज कर रहे हो तो शार, अगर आपके पास वो पाइप वाला मूवेबल शार है तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद आपको चाहिए शैम्पू, जो भी आपके मनपसंद हो। मैं हिमालय का एरिना ले रहा हूँ क्योंकि एरिना की जो खुशबू है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप जो भी लेना चाहो ले सकते हो। एंड दिस इज एंटी बैक्टीरियल, एंटी डैंड्रफ, एंटी प्योरेटिक और डिओड्रेंट वाला शैम्पू। दिस इज नॉट एंटी टिक शैम्पू। हालांकि ये गर्मी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को टिक वाली, लेकिन मुझे पता है कि मेरी डॉग में टिक्स नहीं है तो मैं अभी एंटी टिक शैम्पू यूज़ नहीं कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। अगर आपको टिक के लिए वीडियो चाहिए तो मैं उस पर भी आपको बताऊँगा कि टिक के लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है मेरी नज़र में, क्योंकि भाई हम मेरे पास इतने डॉग्स हैं, आपको भी पता है कि हम लोग ट्राई करते रहते हैं कई सारी चीज़ें। तो मैं आपको बताऊँगा वो चीज़ दैट हैज़ वर्क बेस्ट फॉर मी, ठीक है। तो चलिए जरा, तो पहले चेरी को देख लीजिए आप लोग। ये है अपनी चेरी, है ना, जिसका आज हम लोग बजाने वाले हैं बाजा पूरी तरीके से। तो सबसे पहला स्टेप, जैसे कि हम लोग अपने को करते हैं वैसे ही, देख लो कितनी फटी हुई है इसकी, कैसे भाग रही है। तो वही फर्स्ट स्टेप जो हम अपने को करते हैं वही के ऊपर भी यार, पानी जो है ना, अगर आप ठंड में नहला रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सा गर्म लेना, अगर आप गर्मियों में नहला रहे हो तो आप नॉर्मल जो आपका रूम टेम्परेचर अगर पानी होता है यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा ठंडा मत यूज़ करना गर्मियों में, चाहे कितनी भी गर्मी हो, है ना। तो ये देख रहे हो ये लौटने के बाद कैसे लग रही है। हो गया बेटा, और अच्छे से गीला हो रहा है। एक चीज़ का ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको कि जो पानी है ना वो गलती से भी ईयर्स के पास न जाए। ये देखो पमेलियन, देखो काम करेगा तो पमेलियन करो, पमेलियन करो, देखो गल गई ना। तो ओ इतनी दूर से नहीं देखेगी, चलो कोई बात नहीं। तो पानी कान में ना जाए, मतलब कान में बहुत दिक्कत हो जाएगी। एंड अगर आपका जो डॉग है वो कान फड़फड़ा रहा है क्योंकि उसके कान में आपको ठेक जैसी लग रही है, या फिर आपको वैक्स बोलते हो तो वैक्स जैसी लग रही है, या फिर आपको लग रहा है कि उसके कान में दिक्कत हो रही है कोई किसी भी प्रकार के अंदर, वो फड़फड़ा रहा है कान, तो एक ड्रॉप आती है पोमेज़ोल करके, जो मेरे लिए तो भाई बहुत अच्छा है, एकदम मतलब ब्लेसिंग की तरह काम करती है, एक वंडर ड्रग की तरह। तो आप भी अगर लेना चाहो तो आप पोमेज़ोल ले सकते हो, आपको किसी भी वेटनरी स्टोर से मिल जाएगी। आप कान के अंदर उसको भर दो 5 ड्रॉप 6 ड्रॉप एंड आपका डॉग बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, 2 दिन में मैक्सिमम मेरे हिसाब से ठीक हो जाएगा। अगर आपके डॉग का कोट इतना नहीं है, जैसे इसका चेरी का कोट तो काफ़ी डेंस है, तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी लग जाए। अगर आपके डॉग का कोट इतना डेंस नहीं है तो मैं कहूँगा आप हमेशा कम पानी लीजिए क्योंकि वो जल्दी गीला हो जाएगा, है ना। बेटा हाँ, बहुत बहुत खुश हो, बहुत तो दिस इज द अमाउंट ऑफ शैम्पू आई एम यूजिंग। ओए बच्चा, वो नीला कर दीजिए मुझे। एंड ये लोग एक्सपेक्ट ही मत करना, गाइस आप डॉग को नहला लो तो आप साफ सुथरा रखोगे, क्या पॉसिबल नहीं है रोज। जितना आप उसको गीला करोगे उतना उसने भी आपसे बदला ले ही लेना है, जो भी करो आप कुछ भी करो यार। नीम के पानी से बहुत मिलाते हैं तो अगर आप उसकी मेहनत कर सकते हो तो बेस्ट है यार, उससे तो अच्छा कुछ है ना। अगर आप डॉग को नीम के पानी से मिला सकते हो तो नीम का पानी, मतलब नीम को उबालो थोड़ा सा, नीम की पत्तियों को, और उसको जो पानी आप जैसे नहला रहेगा उसमें डालो, वो मतलब ग्रीन टाइप का पानी हो जाएगा, लेकिन जो आपके डॉग के लिए बहुत 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 फायदा रहेगा, कई तरह के इन्फेक्शन कम कर सकता है और टिप्स में भी काफ़ी फायदा रहेगा। उसको प्लान में है कि बस कैसे करके तुम मुझे छोड़ो और मैं यहाँ से भाग लूँ। आज बहुत मंथ्स हो गया चेरी को नहाए हुए, बहुत पहले चेरी नहाई थी, उसके बाद से साथ ही है। एक्चुअली मैं छोटे डॉग्स को तो मैं कहना नहीं लगा था कि अब डर लगता है, कोई मान लो स्ट्रीट डॉग एकदम से बेटा, कोई मान लो स्ट्रीट डॉग एकदम से आ जाए अटैक कर दो, है ना। देखो एक छोटे छोटे बच्चे हैं, बचेंगे भी नहीं। अब ये ऑलमोस्ट है, ये तो है चेरी अच्छी, ऑलमोस्ट 7 मंथ्स की होने वाली है, लेकिन वही बात है कि
और वो सोलो सेटअप के होना चाहिए, बस बात हो गई कि जो मतलब साइज में बहुत छोटी है ना, तो जो स्पीड डॉग्स उनके मुकाबले कुछ नहीं है, उसको एक स्लो पर खड़ा करेंगे, इसीलिए इनको ढंग लगता है। बस थोड़ी और सेटअप आओ, बस बस और जो डॉग्स के काम खड़े हो गया, जैसे आपका जर्मन शेफर्ड हो गया, हस्की हो गया, ठीक है, अफ्रीका हो गया, स्पिट हो गया, आपका कल्चर फॉर्म हो गया, ठीक है, डॉग फॉर्म हो गया, कई सारे ब्रीड्स जिनके काम खड़े होते हैं, इनके साथ के बाद इंडियन डॉग्स हैं, जैसे मेरे जेटी के काम खड़े हुए हैं, अगर आपके डॉग के काम खड़े हो गए हैं तो आपको पानी का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि उसके कानों में ना जाए, क्योंकि तब कानों में पानी आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो गाइस अभी नहा चुके हैं, अब इसको सुखाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो धूप में ले जाओ, अच्छे से रब करके सूख जाएगी। दूसरा तरीका ड्रायर मार दो। तो ये है गाइस अपनी चेरी नहाने धोने के बाद, कंघी करने के बाद, सूखने के बाद, एंड आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत लग रही है ना। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं क्योंकि इसने अभी भी कंघी करवाई है, तो ये इतनी डरपोक है, इतनी डरी हुई है इस टाइम की कि ये तुरंत भाग जाएगी। कौन आ रहा है किसी को, कोई नहीं। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि चेरी अपनी कैसी लग रही है। तो ये है अपनी चेरू, चेरू इधर देख लो बेटा, हाँ ये देख लो ये कैसे भाग रही है, क्योंकि अभी अभी इसके ऊपर इस कंघी से मैंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है इसको बेचारी को। नहीं मतलब यार टॉर्चर नहीं किया, लेकिन इसको कंघी करवाना पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। इसको भी, स्नोवा को भी नहीं पसंद, भालू को बहुत अच्छा लगता है, भालू पैंथर इन सबको, पैंथर को भी नहीं पसंद, भालू और रोजी को बहुत पसंद है। उनके आप बैठ के कंघी करते रहो करते रहो करते रहो, भालू तो पूरा एक एक एंगल दे देगी आपको कि अच्छा इधर छूट गया इधर करो। तो ये गाइस अपनी चेरू साफ सुथरी होके है ना, आप देख सकते हो। तो बताना ज़रूर यार आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है ना, एंड आपको हमारी चेरी कैसी लगी, खूबसूरत सी चेरू, चेरू डॉल है ना ये पूरी, देखो पूरी डॉल है ना चेरी। इधर तो देखो, अच्छा इधर देखो ये क्या, लो ये लो ये लो, ये पूरी डॉल है ना। हाँ हाँ कहाँ जा रही है, हाँ कहाँ जा रही है, इधर देख ना क्या, देखो मेरे बच्चे को, खूबसूरत है ना मेरा बच्चा, हाँ हाँ कहाँ देख रही है। तो अब देखो गाइस नहलाने के बाद और स्टार्टिंग में कितना अंतर हो गया। आपको इसका कलर भी काफ़ी लाइट लग रहा होगा पहले से है ना, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत कलर जो है थोड़ा डार्क पड़ गया होगा, काफ़ी टाइम से नहाई नहीं थी तो थोड़ी बहुत गंदी होगी जो पता नहीं चल रही थी, लेकिन नहाने के बाद आप देखो कलर कितना लाइट निकला। हैंड कॉम्बिंग की तो यार उससे जितने भी बाल जो शेड होने थे, ठीक है, जो निकलने थे इसके, वो सब शेड हो गए। तो अभी आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत हो गई, अंदर से इसके फेस का क्लियर व्यू आपको मिलेगा। हाँ जबकि मैंने एसी चला रखा था ताकि ये क्या कहते हैं आराम से बैठ जाए, एसी ऊपर देखो चल रहा है ना, एसी मैंने चला रखा था ताकि आराम से
थोड़ा सा शांत हो जाए, डरे कम कंगी से कि अब इसकी कंगी नहीं होगी, और बैठ जाए ताकि आप लोग इसको प्यार से आराम से देख पाओ। लेकिन ये महाशैतान कहाँ मतलब रुकेगी इतनी जल्दी, तो इसको बस यही पता है कि भैया मैं भागूँ यहाँ से, है ना, मम्मी किचन में गई हैं तो मम्मी के पास जाऊँ, पपी फेस बनाऊँ ताकि मुझे कुछ खाने पीने को मिले। ये बहुत पपी फेस होती है। अच्छा इधर करवा के देखते हैं, एक और चीज़ ही करती है। चलिए ई एक ई ई ई कर रही है लेकिन आपको शायद दिखेगा नहीं। चलिए ई करो ई ई अरे बहुत ई ई ई। अच्छा लो पार ले जी, लो 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 बिस्किट 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 बिस्किट। ई करो ई ई ई करो ई करो ई करो ई ई। ये पता है पूरे अपने दांत ऐसे खोल के दिखाती है। अभी तो ये नहा के आई है और आप देख रहे हो इसकी कितनी बुरी वाली इसकी हालत ख़राब है। इसको लग रहा है बस भैया तुम मुझे छोड़ दो, मुझे अभी तुम्हारे पास नहीं रहना, धोखेबाज आदमी तुम मुझे धोखा दे के ले गए थे, मुझे नहला के लाए हो। तो अभी तो ये भागने की पूरी कोशिश में है। देखो इसकी टेल कितनी खूबसूरत लग रही है ना, देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, एक एक बाल अलग अलग। तो चेरी हमारी हो गई साफ़ सुथरी। यही थी गाइस आज की छोटी सी वीडियो। अब मैं थोड़ा सा इसको प्यार कर लेता हूँ जिससे थोड़ा सा काम हो जाए, है ना। क्या हो गया बेटा, नहा लिया था, अब नहीं नहाएगा बेटा, हो गया बस बस, अब टॉर्चर नहीं होगा तुम्हारा, है ना। तो अब मैं इसको थोड़ा सा सहानुभूति देता हूँ, थोड़ा सा इसका ट्रस्ट फिर से जीतता हूँ। आप लोग देखते रहिएगा अपना यही फेवरेट चैनल, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे ऑल, बाय बाय।